हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि जो आपने एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ चुके हैं उसका सेकंड क्वेश्चन हो चुका था। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। एक्सरसाइज 2.3 है न्यू बुक से। फाइंड द वैल्यू आपके इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स हमें दिया हुआ है और एक्स माइनस वन फैक्टर है। तो सोल्यूशन इसका इस तरह से होगा, जब ये फैक्टर है तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, पुट इन पॉलीनोमियल, x बराबर 1 पुट इन पॉलीनोमियल। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा जो जब वैल्यू पुट करेंगे x जहां जहां पर है वहां वहां पर 1 पुट कर देंगे, 1² + 1 + k = 0, 1 + 1 + k = 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो यहां पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि -2 आ गई। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो px बराबर 2x² + kx + √2। यहाँ पर भी हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम उसी तरह से इसका भी सलूशन होगा जैसे पहला हुआ था। सलूशन में क्या लिखेंगे, लेट x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि x माइनस 1 सबका फैक्टर है, तो x बराबर 1 पुट इन पॉलीनोमियल। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1² + k × 1 + √2, और वैल्यू पुट करने पर ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 1² 1, तो 2 × 1 = 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। तो k बराबर होगा 2 + √2, यही हमारा आंसर होगा। और अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x + 1, और x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है और k की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, लेट x माइनस 1 बराबर 0, इसको 0 के इक्वल सपोज कर लिया। तो जब 0 के इक्वल सपोज करेंगे तो 1 जब इधर से इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम जब पुट करेंगे px में तो हमें क्या मिलेगा, k² - √2 × 1 + 1 = 0। तो ये आ जाएगा k - √2 + 1 = 0, k = √2 - 1। तो यही हमारे k का आंसर होगा। अब जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारा वो है px = kx² - 3x + k। यहाँ पर भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और x माइनस 1 इसका भी फैक्टर। सॉल्यूशन सेम वे में होगा इसका। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 पुट इन px। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा k² - 3 × 0 + k, क्योंकि ये 0 है इसलिए पुट करेंगे जब ये वैल्यू तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 0 = 1² × k - 0 + k। तो यहां पर ये दो जगह k है और तो क्या आ जाएगा, 0 = 2k या k = 0/2। तो k बराबर हमारा 0 होगा, मतलब अगर हम k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है, px = kx² - 3x + 2। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और x माइनस 1 हमारा फैक्टर दिया हुआ है, k
इस पॉलिनोमियल या पी एक्स का सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर वन, पुट इन पॉलिनोमियल। तो जब हम पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का थ्री है, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा थ्री, और ये के प्लस के तो आ जाएगा टू के बराबर थ्री या के बराबर थ्री बाई टू। यही हमारे इस के की वैल्यू होगी और यही हमारा आंसर होगा। अब जो हमें क्वेश्चन नंबर फोर है उसे हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 सॉरी प्लस 1। यहाँ पर हमारा 3 टर्म है तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करके चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पावर 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं कि x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या है, 12 है और कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो 12 बन जा 12, ये आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। अब 12 का ऐसा फैक्टर करना है, यहां अगर प्लस है तो ऐड करने पर, मतलब दोनों का साइन सेम रहेगा, तो क्या लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस x अंदर, अब ये 4 इंटू 3 12 और 4 प्लस 3 7 हो गया, और बाकी ये प्लस का 1 ऐसे ही नोट कर देंगे। अब बाद में हम क्या करेंगे कि जो 12x स्क्वायर है इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 3x प्लस 1। यहां 4 है यहां 12 है, तो दोनों में 4 का डेबल जा रहा है तो 4 कॉमन चला गया, ये x क्योंकि दोनों जगह x प्रेजेंट है, तो क्या बचेगा 4 3 जा 12 और 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा माइनस 1, और यहां पर माइनस 1 कॉमन होगा 3x माइनस 1। अब दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन है तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, ये जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा इस फैक्टराइजेशन का। सेकेंड फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है और कांस्टेंट वैल्यू 3 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2 इंटू 3 बराबर 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 7 आ जाए, तो 6 वन जा 6 आ रहा है और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का साइन और x, इसी तरह नोट हो जाएगा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, क्योंकि 6 वन जा 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। अब 2x स्क्वायर, अब इस x को मल्टीप्लाई करा देंगे 6x और x में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ही रहेगा और ये हमारा 3। 2x कॉमन लिया x प्लस 3, यहां पर जहां कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसमें केवल 1 कॉमन लेते हैं तो ये आ गया x प्लस 3, तो x प्लस 3 और ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 1, क्योंकि ये पूरा एक डिजिट है, यहां से कॉमन निकला ये, यहां बचा 2x, इसमें से ये कॉमन निकल गया यहां बचा प्लस 1, तो यही हमारा आंसर होगा। फैक्टराइज करना है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 और ये कांस्टेंट वैल्यू है 6, तो 6 6 जा क्या हो जाएगा 36। अब 36 में हमें ऐसा फैक्टर करना है, यहाँ माइनस है कि माइनस करने पर 5 आ जाए, 9 4 जा 36, मतलब इसके फैक्टर 5 करते हैं, उसके बाद उन्हीं को आगे पीछे करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ बीच वाली डिजिट आ जाए माइनस का लेते हैं, तो ये 6x स्क्वायर ऐसे ही नोट होगा, यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस और x इसी तरह नोट हो जाएगा।
और 9 माइनस 4, 9 4 जा 36, 9 से 4 गया 5 और ये 6 इसी तरह नोट हो जाएगा। अब 6x² इसी तरह नोट होगा प्लस 9x माइनस 4x, माइनस का ये 6 हो गया, 3 दोनों में कॉमन है क्योंकि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और x, तो 3x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2x प्लस 3 और माइनस का 2 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट में प्लस लाना है, यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो बचेगा 2x प्लस 3। अब एक डिजिट ये है, दूसरी डिजिट ये है, तो 2x प्लस 3 दोनों जगह है, तो 2x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, तो इस डिजिट में बचा केवल 3x और इस डिजिट में बचा केवल माइनस करके 2, तो यही हमारा आंसर होगा। और जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3x² - x - 4, इसमें क्या है 3 × 4 = 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, मतलब 3x² ऐसे ही नोट होगा -x और ये 4 - 3 - 4। अब 3x² ही रहेगा, माइनस का 4x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x - 4, दोनों में x कॉमन ले लिया, 3x - 4 कुछ भी कॉमन नहीं है और सेम यही चीज यहाँ लानी भी है ब्रैकेट में, तो केवल 1 कॉमन लेंगे 3x - 4। ये पूरी एक डिजिट है, ये पूरी एक डिजिट है, दोनों में से 3x - 4 कॉमन चला गया, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1, यही हमारा फोर्थ का आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमें, इसमें हम फैक्टराइज करेंगे फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि जो हमें क्वेश्चन दिया है x³ - 2x² - x + 2, यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें हमें कोई भी जैसे x+1 x+2, जनरली x+1 x+2 या x-1 x-2 में कोई आंसर आ जाता है, लेकिन पहले हम रफली चेक कर लेते हैं, जैसे 2 1 3 3 है या +2 1 3, मतलब अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 3 - 3 मतलब 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या सपोज करेंगे, लेट x-1 = 0, x = 1 पुट इन पॉलीनोमियल, और वैल्यू वही पुट करते हैं जिसको पुट करने पे 0 आ रहा होता है, जिसको हमने रफली मन में चेक कर लेते हैं। अब ये रहा, जैसे ये हमारी इक्वेशन है तो x³ है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख देंगे, और जहां क्यूब होगा वहां क्यूब, और जहां सिंगल पावर है वहां सिंगल, जहां स्क्वायर है वहां पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, -1 + 2, तो ये हो गया 3 - 3 = 0। तो जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा x-1 है वो फैक्टर है गिवन पॉलीनोमियल का, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब ये फैक्टर है तो हम x-1 से इसको डिवाइड करा देंगे, जो हमारा पॉलीनोमियल है x³ - 2x² - x + 2। अब यहां पर x है, हमें x³ लाना है, तो इसके लिए सबसे पहले जब हम x² लेंगे तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, इसका मतलब ये x² टाइम्स जा रहा है, और x-1 और x² का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ इसके नीचे नोट कर देंगे। अब थोड़ा लाइन स्पेस देके ड्रा करेंगे, तो यहाँ प्लस है, कोई साइन नहीं था, माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा, माइनस के 2 में से प्लस का x माइनस हो गया, तो बचेगा माइनस का x²
माइनस एक्स। अब माइनस का एक्स स्क्वायर लाना है, तो हम अगर माइनस एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स की पावर 2, और माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस एक्स बन जा एक्स, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया कुछ नहीं। अब यहाँ साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि पहले से प्लस था, तो आ गया माइनस 2x प्लस 2। तो जब 2x प्लस 2 है, अब इसमें कितनी बार जाएगा, केवल माइनस का 2x प्लस 2 है तो माइनस 2 बार जाएगा, तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, तो ये हो गया साइन प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, नीचे कुछ नहीं। तो ये जो हमारा डिवीजर है इसको हम एक ब्रैकेट में, और जो क्वोशेंट है उसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लेंगे। अब उसके बाद ये एक्स माइनस 1 ऐसे ही नोट होगा। अब इसका हमें ऐसा फैक्टर करना होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट से कि 2 का ऐसा फैक्टर करो कि 1 आ जाए, सेम वही तरीका है 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही है, तो 2 1 जा 2 का ऐसा फैक्टर करें कि 1 आ जाए माइनस करने पे, 2 1 जा 2 2 माइनस 1। तो ये रहा एक्स माइनस 1, और यहाँ पर दोनों यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2, ये एक्स माइनस 1 ही रहेगा, और ये एक्स कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस 2, अब प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब ये रहा एक्स माइनस 1, और ये दोनों अलग अलग डिजिट है, दोनों में एक एक्स माइनस 2 कॉमन है, और ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 1। तो यही हमारा आंसर होगा 5 का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और ब्रैकेट में तीसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। फिफ्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है वो फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब हमने देखा कि यहाँ पर माइनस का साइन कई बार है, तो यहाँ पर हम अगर प्लस की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो कभी भी हमारा एग्जैक्ट मतलब 0 नहीं आ सकता। तो हम क्या सपोज करेंगे, अगर हम माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 का, तो हमें सपोज करना पड़ेगा लेट एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 1 पुट इन पॉलीनोमियल। जब हम माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 5। माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, और माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, और माइनस माइनस प्लस 9 बन जा 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 9 बराबर 0। तो यहां पर जब ये 0 आ गया, इसका मतलब सो एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। अब जब ये फैक्टर है तो इस एक्स प्लस 1 से इस जो पॉलीनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड करा देंगे। अब जब x है और x क्यूब है, तो हम अगर x स्क्वायर बार टेबल पढ़ेंगे तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर। अब ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा,
जब माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कैट किया, अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 में 1 जुड़ेगा, 4x स्क्वायर माइनस 9x, अब क्या आ जाएगा, माइनस 4x, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस मतलब 4x आ जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था, यहाँ दोनों प्लस है, अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, यहाँ भी माइनस का प्लस, प्लस माइनस है कट गया, जीरो है मतलब कुछ नहीं, 9 में से प्लस का 4x गया तो माइनस का 5x और माइनस 5 बचा, माइनस का 5x लाना है तो यहाँ माइनस 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 5 और माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल मतलब यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं है। अब बाकी क्या होगा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में नोट करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये दूसरे ब्रैकेट में, अब ये रहा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अब 5 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर एक आता है, तो क्या होगा x स्क्वायर और माइनस x ऐसे ही रहेगा, 5 पंजा 5 पांच में से एक जाएगा तो 4 आ जाएगा मतलब 5 माइनस 1 और ये माइनस का 5, x प्लस 1 हमारा ऐसे ही नोट होता रहेगा और यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x माइनस 5, अब इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ x है तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया, अब यहाँ ब्रैकेट बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन सेम चीज है जो हमें ब्रैकेट में लानी है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 क्योंकि जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर 1 कॉमन होता है, तो ये x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 दोनों जगह प्रेजेंट है तो कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में बचा x प्लस 1 या इसी को हम x प्लस 1 और x माइनस 5 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा 5 के सेकंड का। क्वेश्चन है हमारा थर्ड, फैक्टराइज करना है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यहां पर हमने देखा जब पावर 3 दी होगी और इस तरह से दिया होगा तो इसमें हमें फैक्टर थ्योरम ही लगाना होता है, अगर लिखा है तो भी या फैक्टराइज लिखा है तो भी, तो हमने यहाँ पर चेक करना होता है कि हम क्या वैल्यू पुट करें, सारी वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब हमें x की जगह माइनस ही पुट करना होगा तभी आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 1 या माइनस 2, तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं, तो हमने क्या लिखा, लेट x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 पुट इन पॉलीनोमियल, तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20, अब माइनस 1 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 13 बन जा 13 और प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 20 और 13 33 और ये 32 और 1 माइनस 33, तो ये माइनस का 33 और ये प्लस का 33 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, सो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, ये जो फैक्टर है तो क्या होगा x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या मिलेगा x क्यूब
प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पर x है और यहाँ x क्यूब लानी है, तो अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, और x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है, इसलिए लाइन थोड़ा स्पेस देके ड्रा करते हैं। तो ये प्लस का क्यूब है, माइनस का क्यूब है, कट गया, 0 आ गया, 13 में से 1 गया, तो क्या आ जाएगा, 12x² प्लस 32x। अब 12x² लाना है, तो अगर हम 12x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 12x², क्योंकि 12x का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 12x² आ गया, और 12 × 12x। तो ये हमारा प्लस है, तो ये माइनस करते वक्त माइनस हो जाएगा, प्लस का ये भी माइनस, तो ये तो कट गया, प्लस माइनस है, 32 में से 12 गया, आ गया 20x, ये प्लस का होगा और प्लस 20। अब हमें x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करा दें कि 20x आ गया, तो अगर 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 20x प्लस 20 बन जा 20, और माइनस करते वक्त दोनों कट जाएंगे और हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो फैक्टराइज करके हमारा आंसर जो मतलब डिवाइड करके आएगा x प्लस 1, ये डिवीजर हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्वेश्चन को नोट कर लेंगे x² प्लस 12x प्लस 20। अब x प्लस 1 ऐसे ही नोट हो जाएगा और ये 20 है, तो यहां पर हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमने देखा कि 10 × 20 तो 12 आ रहा, तो x² प्लस x ब्रैकेट में होगा 10 + 2 प्लस 20, 10 × 20 और 10 में 2 ऐड किया तो 12 आ गया। x प्लस 1 सेम उसी तरह रहेगा ब्रैकेट में, और यहां हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब ये रहा x प्लस 1 और ये कॉमन ले लिया तो बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 10 प्लस 2, तो ब्रैकेट में आया x प्लस 10। अब x प्लस 1 दोनों में से x प्लस 10 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा, ये दोनों एक डिजिट है, दोनों में x प्लस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, इसमें बचा 2, तो यही हमारा आंसर होगा थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज का, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अगर हमने देखा कि अगर हम y की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3, तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 1 पुट इन पॉलीनोमियल। तो जब हमने पुट किया तो जहां जहां पर y है वहां वहां पर 1 पुट कर दिया, और ये आ जाएगा 2 और 1, 3 माइनस 3 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। अब y माइनस 1 से जो हमारा पॉलीनोमियल है 2y³ माइनस प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसको डिवाइड करा देंगे, तो y से अगर हम 2y की पावर 3 लाना है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y² को y से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2y की पावर 3 और माइनस 2y², तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो यहां पर था प्लस का y² और नीचे भी आया है प्लस, तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 2y। अब 3y लाना है तो
तो 3y से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3y की पावर 2 माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर दिया कुछ नहीं। अब 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा y और अगली डिजिट है हमारी माइनस 1, तो केवल प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा। माइनस करते वक्त साइन चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। अब जब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये एक ब्रैकेट में y माइनस 1 डिवीजन नोट करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 ये क्वेश्चन नोट करेंगे। तो ये y माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब 2 ऐसा नंबर है जो ऐड करने पे 3 आ जाएगा, तो क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस y और ये 2 प्लस 1 प्लस 1 y माइनस 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y और प्लस 1। इन दोनों में हमने चेक किया तो हमें कॉमन मिला 2y, तो जब 2y कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 1 और लाना हमें y प्लस 1 है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 2y प्लस 1 और y प्लस 1। तो यह इसको हम ये भी लिख सकते हैं y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। और ये हमारे फैक्टराइज के क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होगा। तो फैक्टर का जो एक्सरसाइज 2.4 है पढ़ाएंगे तो इसमें कुछ आइडेंटिटी यूज होती है जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई है। और यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का न्यू बुक से यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें x प्लस 4 फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड ब्रैकेट में है x प्लस 10, इसका हमें फाइंड करना है। तो जब आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस से x प्लस b इस फॉर्म में ये हमको दिया हुआ है, तो इसका जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आइडेंटिटी क्या होगी x स्क्वायर प्लस x प्लस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस ab। और जब इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पहला हमारा x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x रहेगा और a की जगह 4 है तो ये हो जाएगा 4 और फिर साइन साइड नोट होता, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस नोट होता, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर रहेगा, ये 14x रहेगा और ये 4 10 जा 14, यही हमारा आंसर होगा। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं इसी तरह का कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वो है x प्लस 8 और सेकेंड ब्रैकेट में है x माइनस 10। यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट में a मतलब x प्लस a है और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस b है, लेकिन आइडेंटिटी हम सेम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में a प्लस b प्लस ab। अब यहां पर हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि साइन सहित वैल्यू पुट करेंगे, तो ये तो पहली डिजिट का स्क्वायर हो गया मतलब x स्क्वायर हो गया और प्लस में x आएगा, फिर क्या होगा 8 प्लस का साइन है और 10 मतलब b माइनस साइन के साइन है तो a माइनस b हो जाएगा और फिर प्लस 8 इंटू
माइनस 10, मतलब ए 8 है और बी हमारा क्या है माइनस 10 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एट में प्लस का है 10 माइनस का है, तो ये सॉल्व करने पे माइनस 2 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 80, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, यही हमारा आंसर होगा। अगर 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 सेकंड ब्रैकेट में, मतलब ये है x प्लस a और दूसरे में है x माइनस b, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस a एक ब्रैकेट में और x माइनस b, जो 5 है वो हमारा माइनस b की तरह प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस x, ब्रैकेट में हम ये साइन साइन पुट करते हैं तो प्लस को पहले लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा a माइनस b प्लस a इंटू ब्रैकेट में माइनस b, साइन साइन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां 3x है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 3x, मतलब x की जगह 3x है, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 माइनस 5, प्लस a की जगह 4 है और b की जगह माइनस 5 है, तो ये सॉल्व करके आएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x में जब हम माइनस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे और यहां पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 4 5 20, तो आंसर आएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, यही हमारा आंसर होगा। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है y स्क्वायर प्लस 3y2 एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में है y स्क्वायर माइनस 3y2, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, मतलब ये a है इसका स्क्वायर हो गया माइनस का साइन 3y2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4, यही हमारा आंसर होगा। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये रहा 3 माइनस 2x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 9 माइनस 4x स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। अब एक्सरसाइज 2.4 का इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 103 × 107। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे x बराबर 100 और a बराबर 3 और b बराबर 7, ये हो गया। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पर हम, मतलब 103 और 107 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर आइडेंटिटी क्या यूज होगी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a एक ब्रैकेट में x प्लस b दूसरे ब्रैकेट में बराबर क्या होगा x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में a प्लस b प्लस ए बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 ब्रैकेट में 3 प्लस 7,
प्लस 3 × 7, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये 100 × 10 + 21। सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 + 1,000 + 21, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11,021। यही हमारा आंसर होगा। जो सेकंड पार्ट है 95 × 96, तो इसके जो सलूशन होगा उसको इस तरह से करेंगे। यहां पर a बराबर हमने ले लिया 5 और b बराबर 6 और x बराबर 19, ये ले लिया। अब 95 × 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 5, और इसको लिख सकते हैं 90 + 6। तो आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x + a x + b = x² + x(a+b) + ab। जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये 90 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 95 और प्लस 6 क्योंकि a प्लस b है, प्लस 5 × 6 क्योंकि a इंटू बी है। 90 का स्क्वायर 8100 होता है, 90 × 11 + 6 = 30, तो ये आ जाएगा 8100, 990 + 30। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 8100, 990, 30 ऊपर नीचे रख के ऐड कर दिया, 9312, 11 के कैरी 1, 9120, और यही हमारा जो 95 × 96 है इसको हम अगर मल्टीप्लाई कराएंगे डायरेक्टली तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 104 × 96, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x बराबर सपोज कर लेंगे x बराबर 100, a बराबर 4 और b बराबर, यहां पर 100 + 4 100 - 4, तो यहां पर हम कर लेते हैं x बराबर 100 और y बराबर 4। अब क्या हो जाएगा, इसको हम 104 × 96 को 100 + 4 और 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर x² - y², तो जब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10,000 - 16। तो जब 10,000 में 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9984, यही हमारा आंसर होगा। और अगर इन दोनों को हम आपस से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 9984 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फैक्टराइज करना है यहाँ पर एप्रोसिएट आइडेंटिटी को यूज करके। फर्स्ट क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y², तो इसको हमने जब देखा तो ये क्या है, 3x² + 2 × 3x × y और ये y का स्क्वायर है। तो यहां पर आइडेंटिटी क्या यूज किया हमने, a² + 2ab + b² के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, a + b² के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3x + y² या इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर 2 है, 3x + y और 3x + y सिंगल पावर में। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 4y²
माइनस फोर वाई प्लस वन, तो इसमें क्या होगा कि ये टू वाई का स्क्वायर है माइनस टू इंटू टू वाई इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर वन। तो इसका मतलब है यहां पर जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए ये है और बी ये है, तो ये हो गया टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तो टू वाई माइनस वन की पावर टू है, तो इसको हम सिंगल पावर में लिख सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हंड्रेड, ये है थर्ड क्वेश्चन हमारा। जब इसको हमने देखा ध्यान से तो ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है और ये वाई अपॉन टेन स्क्वायर के फॉर्म में है। तो दो डिजिट जब स्क्वायर के फॉर्म में होती है तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहां पर आइडेंटिटी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो होगी यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यही आइडेंटिटी जब हम यहां अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस टू वाई का स्क्वायर प्लस फोर जेड, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा, प्लस टू इंटू ए बी, तो मतलब एक्स इंटू टू वाई, एक्स की जगह ए है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, टू वाई प्लस टू इंटू टू वाई इंटू फोर जेड प्लस टू इंटू फोर जेड इंटू एक्स। अब जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर, टू टू जा फोर, फोर एक्स वाई, टू टू जा फोर, फोर जा सिक्सटीन, वाई जेड, टू फोर जा एट, जेड एक्स। यही हमारा आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, ये आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर टू है, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी वही सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अगर ये आइडेंटिटी आप बार बार लिखते रहेंगे तो आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगी, और जब अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट डिजिट का क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लेंगे, ए की जगह टू एक्स है,
फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस बी की जगह माइनस वाई है, तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या है, जेड है, तो ये जेड का स्क्वायर हो गया प्लस। अब साइन साइन पुट करेंगे क्योंकि हम एक ही फार्मूले से माइनस वाले को भी बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। तो ये हमने साइन साइन सारी वैल्यू पुट कर दी, सिर्फ एक ही हमारा y नेगेटिव था, तो y जहां जहां पुट करेंगे उसको माइनस के साथ पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 2 जा 4 एक्स वाई, अब यहां माइनस लगा है तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 4xy। अब 2x ये है 2yz लेकिन माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस 2yz और फिर ये 2 2 जा 4 जेड एक्स, ये पूरा आपका यही आंसर होगा। पार्ट है ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसको हम सेम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे जैसा कि पीछे किया था। आइडेंटिटी होगी हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a हमारा माइनस 2x है, b हमारा 3y है और c हमारा 2z। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये हमारी आइडेंटिटी होगी। इसको बार बार हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको इजिली धारण हो जाएगी। अब ये क्या होगा माइनस 2x का होल स्क्वायर, साइन साइन वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का जब स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब 2 2 जा 4 3 जा 12, एक माइनस है तो ये माइनस 12xy, अब 2 3 जा 6 2 जा 12, तो प्लस 12yz प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन यहां माइनस लगा है तो क्या आ जाएगा माइनस 8zx, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 3a माइनस 6b माइनस c का होल स्क्वायर, इसमें भी वही सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ये जब यहाँ वैल्यू आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी है, इसका मतलब a बराबर 3a है, b बराबर माइनस 7b है और c बराबर माइनस c है। तो जब अप्लाई करेंगे वैल्यू को तो ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर हो गया, प्लस करके लिखेंगे बी मतलब माइनस 7b का होल स्क्वायर, क्योंकि बी मतलब सेकंड डिजिट, प्लस थर्ड डिजिट है हमारी माइनस सी तो सेक्स सी का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b। साइन साइन पुट करके वैल्यू मल्टीप्लाई करा देंगे 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू 3a। तो ये क्या हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3a का स्क्वायर तो बराबर क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है, माइनस 7 का करेंगे तो भी प्लस का 49 ही आएगा, b स्क्वायर
अब सी का जब माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो एक प्लस ही आएगा। अब यहाँ देखिए जैसे 2 × 3 = 6 हो गया, माइनस 7 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 42 AB, मतलब माइनस 42 AB। 2 × 7 = 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 BC। 2 × 3 = 6, लेकिन माइनस सी है तो माइनस 6 CA, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट डिजिट, मतलब -2x² + 5y² होल स्क्वायर। अब पहले वाले में क्या था कि मतलब इसमें तीन तरह से, किसी में मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसमें सिर्फ माइनस किया 2x, एक पहली वैल्यू माइनस थी, एक में सिर्फ बीच वाली वैल्यू माइनस थी, इसमें पहली और आखिरी वैल्यू माइनस में है। तो प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब हम जो प्लस 2ab है तो उसकी जगह प्लस 2 × -2x मतलब ये हो गया, × 5y मतलब b हो गया, प्लस 2 × 5y मतलब b, × -3z प्लस 2 × -3z × -2x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x² + 25y² + 9z² ये हो गया। अब 2 × 2 = 4, 5 × 20 -20xy, 2 × 5 = 10, 3 × 15 यहाँ माइनस है तो -30 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 3 × 30 yz, 2 × 3 = 6, 2 × 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12zx, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1/4a - 1/2b + 1 होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, a + b + c² = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। जब इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखेंगे, मिस्टेक ना होने पाए। ये फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस सेकंड डिजिट हमारी है 1/2b का होल स्क्वायर मतलब -1/2b प्लस थर्ड डिजिट मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1/4a - 1/2b प्लस 2 × -1/2b × 1 + 2 × 1 × 1/4a। तो इसको हमने जब लिख दिया, अब 1/4a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1/16a² और 1/2b का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4b² + 1। अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ बचा खाली a/2 और यहाँ b/2 है तो प्लस माइनस माइनस ab/4। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो बचा यहाँ खाली माइनस का b, तो क्या आ जाएगा ओनली माइनस b और ये 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 तो आ जाएगा हमारा a/4, यही हमारा आंसर होगा 4th के 5th का। तो यहाँ वो फिनिश हो गया। फाइव है फैक्टराइज करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16zx। तो फर्स्ट ऑल ऑफ क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये किसका स्क्वायर, तो हमने चेक किया ये क्या है
टू एक्स का स्क्वायर है प्लस 9y स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर है, और ये जो हमारा 16z है ये 4z का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z। अब हमें इन दो जगह पर देखा हमने कि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो हम इसमें माइनस की क्या डिजिट ले कि दोनों ही केसेस में माइनस आ जाए। तो अगर हम z को माइनस ले लेते हैं 4z को, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये आ जाएगा, मतलब हमें जो माइनस का साइन है वो 4 पे लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस 4z होगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ये हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा, इसको हमें ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा माइनस 4z। अब प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 4z। अब यहां हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी सी का 4 स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे पर अपोजिट फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का 4 स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर c हमारा माइनस है तो वो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, या इसी को हम 2x प्लस 3y माइनस 4z और सेकेंड ब्रैकेट में भी 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8zx। तो यहां हमने चेक किया तो पाया ये रूट 2x का होल स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है और ये 2 रूट 2z का स्क्वायर है, ये z है और माइनस 2 इंटू मतलब प्लस 2 लिखा। अब हम अगर माइनस अगर रूट 2 रखेंगे तभी ये पहला और तीसरा वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहां दिखाना पड़ेगा माइनस रूट 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2 जेड प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू 2 रूट 2 जेड, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये चीज इसी फॉर्म में लिख गई है, मतलब 2x स्क्वायर को हमने माइनस रूट 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर को y स्क्वायर लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, 8z स्क्वायर को हम 2 रूट 2 जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 रूट 2xy को प्लस 2 माइनस रूट 2x इंटू वाई मतलब ये 2ab हो गया, ये 2bc हो गया और ये प्लस 2 इंटू ca हो गया। तो यहां पर हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो आइडेंटिटी होगी यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जब साइन सहित हम वैल्यू पुट करते हैं तो a हमारा माइनस रूट 2x है प्लस y है प्लस 2 रूट 2 जेड है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम सिंगल पावर में भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा सिंगल पावर मतलब ये भी 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड, यही हमारा
आंसर होगा वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म, 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये मतलब हो गया ए, ये हो गया बी। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम वो होगी ए प्लस बी का होल क्यूब। तो जब ए प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इस आइडेंटिटी को जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 2x × 1 ब्रैकेट में 2x + 1। अब 2x का जब होल क्यूब करोगे तो 8x³ आएगा, 1 का क्यूब 1, 3 × 2 = 6x, 6 × 1 = 6 और ब्रैकेट में 2x + 1। सॉल्व करेंगे 8x³ + 1, 6 × 2 = 12x² + 6x, यही हमारा आंसर होगा ए 2x + 1 पे होल क्यूब का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 2a - b का होल क्यूब। तो यहां पर जब आरएनटी यूज करेंगे यूजिंग आरएनटी a - b का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। अब यहां पर a की जगह पर क्या है हमारा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 2a³ - b³ - 3 × 2a × b ब्रैकेट में हो जाएगा 2a - b। अब 2a का जब क्यूब करेंगे 8a³ - b³ - 6ab ब्रैकेट में 2a - b। अब 8a³ ही रहेगा, -b³ - 6 × 2 = 12a²b -6ab² 2a - b का होल क्यूब का यही आंसर होगा। 6 का थर्ड पार्ट 3/2x+1 मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आइडेंटिटी वही सेम यूज होगी, यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। तो जब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 3/2x³ + 1 का क्यूब + 3 × 3/2x × 1 ब्रैकेट में 3/2x + 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 का होल क्यूब तो कितना हो जाएगा 27/8x³ + 1 + 9/2x ब्रैकेट में 3/2x + 1। यहाँ पर ये जो 3/2x है उसको इस तरह से लिखते हैं। अब ये तो हमारा यही रहेगा 27/8x³ + 1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27x² / 4 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9/2x, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका फोर्थ पार्ट है x - 2/3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a - b का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगी a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ - 2/3y³ - 3 × x × 2/3y ब्रैकेट में x - 2/3y। जब x का क्यूब करेंगे तो x³ आएगा -8/27y³ और 3 से 3 कट जाएगा
तो ये बचेगा माइनस का 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2y 3y। अब ये आ जाएगा x क्यूब का x क्यूब ही रहेगा 8y 27y³। अब 2x² y हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2x का x मल्टीप्लाई करेंगे 2x² y, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 × 4 xy² मतलब 4/3 xy² जो हमारा x माइनस 2/3 का y का होल क्यूब है उसका आंसर यही होगा।